जैन वॉरियर्स, आज हम बताएंगे आपको हाइट और वेट का चार्ट। हाइट वेट चार्ट बहुत दिनों से डाउट में थे आप लोग कि हाइट वेट चार्ट को किस तरीके से हम काउंट करेंगे और कितनी एज के लिए कितना हाइट और वेट होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हाइट जो है मीटर्स में दी है, अगर हम इसको मल्टीपल मीन्स 100 का मल्टीपल कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं 1.47 मीटर, इसको अगर हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में तो 147 सेंटीमीटर वाला बच्चा यदि 17 साल से नीचे का है तो उसको कम से कम उसका वेट 37 केजी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 केजी। ये एक मानक है और इससे प्लस माइनस 5 है वो चल जाता है, प्लस 5 चल जाएगा और माइनस 5 मीन्स 37 से 45 के बीच होना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें 17 से 18 ईयर्स, 17 साल का हो बट एक दिन उसका ज़्यादा हो तो उसमें यहाँ पर दी है हाइट वाइज कि किसकी कितनी हाइट है, तो यहाँ पर हम देखने के लिए बताएंगे मिनिमम वेट 40 केजी, मैक्सिमम 45। इस तरीके से यहाँ पर 18 साल से 20 साल, 20 साल से 30 साल और एबव 30 ईयर्स, ये सभी जितने भी मापक हैं वो नेवी और एयरफोर्स इसके लिए ये चार्ट उपयोग है। मतलब जो आपको वायुसेना और नौसेना इनके लिए ये चार्ट है। ये सभी लोग चार्ट पूरा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप लोग ज़रूर देख लें और देखने का तरीका मैंने बता ही दिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये सभी है, स्क्रॉल करके आप सब लोग देख लें। हाइट वेट का जो चार्ट है यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम दूसरे पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हाइट और भी दी गई जिसके हिसाब से 176 सेंटीमीटर है, 176 सेंटीमीटर है यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे ये सारा 190-192 सेंटीमीटर तक है। अब हम अगर और बढ़ते हैं इसमें तो यहाँ नोट्स में दिया गया है, नोट्स में क्लियरली दिया गया है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट फॉर हाइट विल बी स्टैंडर्ड फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के पर्सनलों के लिए है। कैंडिडेट विद वेट बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड विल नॉट मीन्स, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर ऐसे होगा कि इनका कहना है कि ये 176 सेंटीमीटर वाला यदि 17 साल से कम का है तो मिनिमम वेट 53 केजी है। ठीक है, इस 53 केजी में, ये 53 केजी है तो इसका अगर 52 केजी हुआ तो ये नहीं चलेगा। फिर से एक बार समझाता हूँ आपको, यदि 176 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति यदि 17 साल से नीचे का है और उसका वेट 53 केजी से कम है तो फिर वो अनफिट है। मेल कैंडिडेट विद वेट हायर देन स्पेसिफाइड विल बी एक्सेप्टेड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन केस कैंडिडेट विद डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ बॉडी बिल्डिंग रेसलिंग बॉक्सिंग इन सच केसेस फॉलोइंग क्राइटेरिया टू मेट बॉडी मास इंडेक्स शुड नॉट बी मोर देन। देखो भैया, ये होता है BMI, ठीक है, BMI कभी भी 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स इनका ये कहना है, यदि हम इसको जैसे 176 सेंटीमीटर का एक बच्चा है कोई और इसकी 65 केजी से मींस इस 65 केजी से ज़्यादा होता है, ठीक है, और भी वजन होता है तो उसका BMI 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि वो क्या है रेसलर है या कोई स्पोर्टमैन है तो उसका चलेगा, BMI आपका 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा वीडियो था, ऐसी ही और जानकारी के लिए भैया क्या कर लें, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।